नीतीश तिवारी का रामायण फिल्म एक एपिक फिल्म होने जा रहा है। सिर्फ बजट की हिसाब से नहीं, इसके साथ साथ जो स्टार कास्ट होने वाला है इस हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट शायद बहुत ही कम फिल्मों में आप लोगों को देखने का मौका मिला होगा कि इस प्रकार का स्टार कास्ट होने वाला। ऑलरेडी राम के रोल के लिए रणबीर कपूर ने साइन कर दिया है और रावण का रोल कर रहे यश, हनुमान का रोल कर रहे सानी धवल और विभीषण के रोल के लिए ऑलरेडी विजय सत्यपति को ऑफर किया गया, अभी तक उन्होंने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। कुंभकर्ण के रोल के लिए बॉबी दयाल को ऑफर किया गया, उन्होंने अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि अब एनिमल के सक्सेस के बाद वो 2 महीना देखना चाह रहा है कि किस प्रकार के ऑफर उनके पास आ रहा है, उस हिसाब से वो डिसीशन लेंगे। और कोइकेई के रोल के लिए लारा दत्ता को ऑलरेडी ऑफर किया गया, वो राजी भी हो गए। तो काफी भरी भरकम स्टार कास्ट है इस मूवी के लिए और इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा है। मार्च से इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है और इस मूवी की जो प्रिपरेशन है उसके लिए रणबीर कपूर ऑलरेडी अल्कोहल छोड़ दिया है। यस, ऑलरेडी रणबीर कपूर ने अल्कोहल छोड़ दिया है और उनकी नाइट लाइफ भी कट कर दिया है। उसके साथ साथ वो नॉन वेज खाना भी छोड़ दिया है, अब वो नॉन वेज नहीं खाते, मतलब वेज खाना स्टार्ट किया है। तो सब कुछ काफी बदल गया है। रणबीर कपूर इस कैरेक्टर करने के लिए खुद को काफी बदला है। आप लोगों रिसेंट टाइम उनकी जो लुक्स निकल कर आया बिल्कुल क्लीन शेव जैसे राम का था, उस प्रकार का बिल्कुल क्लीन शेव। और इस मूवी के सीता के रोल के लिए पहले आलिया भट्ट को चूज किया गया थी, लेकिन अब आलिया भट्ट ने तो ना कर दी। उसके बाद साई पल्लवी को मेकर्स ने तय किया था, लेकिन अब चेंजेस में मतलब इसमें काफी बदलाव आ रहा है। जितना पता चल रहा है कि जाह्नवी कपूर को इस रोल के लिए मतलब सीता के रोल के लिए ऑफर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया, क्योंकि मेकर्स को ऐसा लग रहा है शायद जाह्नवी कपूर सीता के रोल के लिए परफेक्ट रहेगी। मेरे हिसाब से साई पल्लवी कुछ अच्छी भी थी, मेरे हिसाब से साई पल्लवी भी अच्छी थी। अगर साई पल्लवी होती तो साउथ में क्या होता है कि साउथ में इस प्रकार के मूवी देखने का लोगों का मन में काफी इंटरेस्ट है, तो बेहतर होता अगर साई पल्लवी को रखती तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। लेकिन ये भी ठीक ठाक है, चल जाएगी। मेरे हिसाब से जाह्नवी कपूर और रणबीर कपूर का प्यार पहली बार ऑन स्क्रीन को लोगों को देखने का मौका मिलेगा, तो होपफुली ये प्यार भी अच्छा रहेगा। इस मूवी का शूटिंग मार्च से स्टार्ट होने वाला है और अराउंड अगस्त तक चलेगा, क्योंकि इस मूवी का 3 पार्ट में बनने वाला है। पार्ट 1 में रावण यानी यश और हनुमान यानी सानी देओल का ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ 15 डेज का काम है और ये दोनों इस अराउंड आपका जो है जुलाई और अगस्त में शायद इन लोगों का काम करेंगे, क्योंकि अब सानी देओल ऑलरेडी जो 1947 लाहौर मूवी का काम कर रहे और ये जो जैश और टॉक्सिक का काम कर रहे, तो ये दोनों मूवी कंप्लीट हो जाने के बाद ही इस मूवी के लिए काम करेंगे ये दोनों। अब रणबीर कपूर मार्च से स्टार्ट शूटिंग करेंगे, पहले मुंबई में शूट होने वाला है इस मूवी का, उसके बाद जो लंका का पोर्शन है यानी श्रीलंका का जो पोर्शन है उस पोर्शन लंदन में शूटिंग होगा या उसके बाद में, ये लंबे स्केड्यूल होने वाला है मुंबई में, उसके बाद जो लंका का पोर्शन है श्रीलंका का पोर्शन वो लंदन में शूट किया जाएगा। तो देखते आखिर में क्या होता है। मेरे हिसाब से साई पल्लवी और जाह्नवी कपूर दोनों ही अच्छी है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये है कि साई पल्लवी होता तो बेहतर होता सीता के रोल के लिए। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का क्या राय है, किसको आप प्रेफर करते एज ए सीता। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।